और 383 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम बात करेंगे उस खबर की जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से खतरा बना हुआ है। जी हाँ, कोरोना वायरस। लेकिन अच्छी खबर ये आ रही है कि भारत में वैक्सीन को लेकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स, संकेत हमें सुनने और देखने को मिल रहे हैं। मीनाक्षी, देश में भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल कुछ दिन पहले किया गया था, उसके शुरुआती रिजल्ट्स उम्मीद बढ़ा रहे हैं। और रूस के दावे के बीच भारत के लिए ये बड़े फख्र की बात है। इसके साथ ही ह्यूमन ट्रायल का फेज टू शुरू करने की तैयारी हो गई। वैक्सीन बनाने में भारत की पहली और बड़ी कामयाबी। पहले चरण के ट्रायल को लेकर खुशखबरी। कोवैक्सीन के शुरुआती नतीजे सफल। रूस ने यह दावा कर धमाल मचा दिया है कि उसने कोरोना का वैक्सीन बना लिया है। स्पुतनिक नाम का वो वैक्सीन सुर्खियों में है। उन सबके बीच भारत में भी वैक्सीन को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। फेज वन ट्रायल से जुड़े सूत्रों की माने तो कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज में सफल रहा है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। देश भर के 12 सेंटर पर पहले फेज का ट्रायल हुआ था। इसके रिजल्ट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट कमेटी सबमिट करेगी। भारत वैक्सीन की रेस में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जो भारत में बनने वाली वैक्सीन है, उस पर जो ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे थे उसका फर्स्ट फेज लगभग डोजिंग तक पहुंच गया है और उसके रिजल्ट्स अब जल्द ही सामने आ सकते हैं। वैक्सीन के पहले फेज में 12 सेंटर पर करीब 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दिया गया था। नागपुर में 55 कैंडिडेट को वैक्सीन दी गई। उनमें से कुछ को वैक्सीन देने के बाद बुखार की समस्या हुई, जो कुछ ही घंटे में ठीक हो गया। उनमें किसी तरह का कोई दूसरा लक्षण नहीं दिखा। नागपुर सेंटर में पहले फेज की रिपोर्ट जमा भी करा दी गई है। फेज वन में कई एक्टिविटीज हैं, उनमें से एक वैक्सीन देना है। सेफ्टी प्रोफाइल के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। वैक्सीन देने का स्टेज जो है, जो 375 हमारे सैंपल साइज थे, वह आज कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अभी फेज वन कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि सेफ्टी प्रोफाइल जो है, अभी आफ्टर 2 वीक जो है हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं जिनको अभी तक लगता गया है, और उसके बाद वह कंप्लीट हो जाएगा। देश भर के जिन 12 केंद्रों पर पहले फेज में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया, उनमें से सिर्फ दिल्ली एम्स में ही अब तक ट्रायल पूरा नहीं हो सका है। अन्य सभी सेंटर पर इसे पूरा किया जा चुका है। फेज वन के बाद जो है, चूंकि फेज वन फेज टू एक ही साथ हमारा हो रहा है, क्योंकि फेज वन उसके बाद ये भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, बट फेज टू इसके बाद सेफ्टी प्रोफाइल इस्टेब्लिश करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में सितंबर का फेज टू स्टार्ट हो जाएगा। भारत वैक्सीन बनाने के मामले में धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन भरोसे और फैक्ट के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि कोई खामी ना रह जाए। ऐसे में पहले फेज की शुरुआती सफलता के बाद अब फेज टू की तैयारी है। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए वॉलंटियर्स की तलाश भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त देश में 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज में ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फेज 2 और 3 की इजाजत मिल गई है। जल्द ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू होगा। इसके तहत 20 राज्यों के अस्पतालों में ट्रायल हो रहा है। वहीं जायडस कैडिला के वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल भी पूरा हो गया है। दूसरे फेज में 1000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और अब कुल मामले 24.5 लाख के पार चले गए हैं। लेकिन सबके बीच एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आ रही है, ये बड़ी राहत वाली खबर है। और श्वेता, हमने ये भी देखा है किस तरह से रिकवरी रेट का खुद जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। बिल्कुल, और इसके लिए आप कहें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है वो एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे तो कई राज्यों में हालात ऐसे हैं जो कि बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि टेस्ट का दायरा बढ़ने के बाद हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं। देश में कुल कोरोना केस 24,61,191, देश में एक्टिव केस की संख्या 6,61,595 और अब तक कुल मौत 48,040।
ये कोरोना की देश की तस्वीर है। जिस हिसाब से ये वायरस लोगों को संक्रमित कर रहा था उससे चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब रिकवरी रेट सुधर रहा है, एक्टिव केस की संख्या घटती जा रही है। अब 24 घंटे के आंकड़े पर भी नजर दौड़ा लीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 64,553 नए केस सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में 55,573 पीड़ित ठीक हुए और 1,007 लोगों ने जान गंवा दी। अभी 11 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और संबंधित राज्यों में संक्रमण के हालात पर चर्चा की। तभी प्रधानमंत्री ने कोरोना टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही कहा कि हालात सुधर रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। देश में महामारी का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में हालात तेजी से बिगड़े हैं। कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हम सभी को ये नहीं देखना चाहिए कि कितने केसेस हो रहे हैं पूरे इंडिया में। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि रिकवरी रेट जल्दी से जल्दी बढ़ाएं और मौतें कम से कम हो। आप केसेस को नहीं रोक सकते, इस बीमारी की प्रोफाइल ऐसी नहीं है। हाँ, आप जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ टेस्टिंग बढ़ा दें, ट्रेसिंग बढ़ा दें, लोगों की खोज करें भाई किसके टच में आया, ताकि आगे के इन्फेक्शन रोके जा सकें, लेकिन आप 100% नहीं रोक सकते। दिल्ली तो अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गई है। यहाँ रिकवरी रेट 89.86% हो चुका है, जबकि संक्रमण की दर करीब 6% है। राजधानी में अभी कोरोना के 10,975 एक्टिव केस हैं। दिल्ली की काफ़ी अच्छी हालात है। पहले की तुलना में जो 23% सीरो सर्विलेंस सर्वे की रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल से वो 20 जून के आसपास की थी, और आज उससे 1.5-2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 40-50% लोग ऑलरेडी दिल्ली में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जैसे ही ये हर्ड इम्यूनिटी, मतलब जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएं, तो 50-60% हो जाएगी केसेस की संख्या और कम हो जाएगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट हमारा करीब 90% टच कर रहा है और मौतें काफ़ी कम हो रही हैं, तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए। वैसे आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई की तुलना में अगस्त के पहले हफ्ते में रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में 1,05,183 एक्टिव केस जुड़े थे। ये संख्या अगस्त के पहले हफ्ते में घटकर 53,985 हो गई। अब देश में रिकवरी रेट 70% है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मौत मामले की अब बात करेंगे। इस मामले से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है श्वेता, और ये वीडियो दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनैलिटी के कई चीजें बयां करता है। बिल्कुल, और ये वीडियो आप देखें और इसमें पूरी मस्ती करते हुए आपको सुशांत दिखेंगे, प्रभु की आराधना, श्री कृष्ण का भजन गाते हुए वो दिखेंगे। इससे बताता है सुशांत के कई दूसरे जो उनके पहलू हैं, एक तरफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ ये वीडियो। मीनाक्षी, और देखिए श्वेता, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, इस वीडियो को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी तनाव में थे, और ये इसी साल जनवरी का वीडियो है, और आज ही के दिन 2 महीने पूरे हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, और इसीलिए जो सवाल उनके पीछे अब खड़े हो रहे हैं, परिवार लगातार ये कह रहा है कि सच जानने का उन्हें हक है और सच सामने आए। भक्ति के भव सागर में लीन सुशांत, भगवान श्री कृष्ण के भजन में मगन एक शानदार अभिनेता, ये रंग बिल्कुल अलग है, अनदेखा है। ये वीडियो जनवरी 2020 का है, जब वो पंचकुला गए थे। जनवरी में ही सुशांत का जन्मदिन आता है। सुशांत मुंबई से पंचकुला अपनी बहन के पास चले गए। पंचकुला में पहुंचे तो श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गए। इस वीडियो को देखकर कोई नहीं कह सकता कि सुशांत डिप्रेशन में थे या फिर उन्हें कोई तनाव था। ऐसी भक्ति जिसमें भगवान के प्रति समर्पण है, सब कुछ उन्हीं के हवाले है। सुशांत सिंह राजपूत कितने जिंदा दिल इंसान थे, इसकी तस्दीक एक और वीडियो से होती है। इसमें उनका भरपूर मस्ती दिख रहा है। देखिए सुशांत का ये अंदाज, बिल्कुल निराला, मस्त और शोक शाम और भक्ति का। ये गाना पंचकुला ट्रिप का है, जब वो मुंबई से अपनी बहनों के साथ लौट रहे थे। सभी हल्के मूड में थे, खुश थे। इन वीडियो में सुशांत की बहनें भी दिख रही है। ये वो सुशांत थे जो हॉलीवुड जाना चाहते थे, जिंदगी का एक एक पल खुशी खुशी जीना चाहते थे।
ये उन लोगों को भी जरूर देखना चाहिए जो बिना जांच के अब भी ये बताने पर तुले हैं कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे। उनके ये गाने भजन बताते हैं कि सुशांत की जिंदा दिली का जवाब नहीं था। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मौत मिस्ट्री में लगातार नई तस्वीरें, नए चैट, नई डायरी और नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिनसे सुशांत की पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। मीनाक्षी, और देखिए नेहा, एक और नया वीडियो सामने आया है जिसकी झलक इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, जिसमें उनकी बहन प्रियंका और बहनोई दिखाई दे रहे हैं अपने एक स्टाफ से सवाल जवाब करते हुए। और इस वीडियो में दरअसल ये देखा जा सकता है मीनाक्षी कि प्रियंका जो सुशांत की बहन है और उनके पति सुशांत के एक पूर्व कर्मचारी को फटकार लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इसमें सुशांत नहीं दिख रहे हैं, बस तीन लोग नजर आ रहे हैं, सुशांत की बहन प्रियंका, जीजा सिद्धार्थ तंवर और सुशांत के यहाँ काम करने वाला पूर्व कर्मचारी रजत मेवाती। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है, नहीं, क्या बोल रहा है तू, अपने ही बोल, बोल क्या बोल रहा है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि तीन लोगों के बीच ये बातचीत पैसे के किसी गड़बड़ झाले को लेकर है। आइए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। ये वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बहन और बहनोई सुशांत के एक स्टाफ रजत मेवाती से सवाल जवाब कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रजत मेवाती सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट देखते थे। कहा जा रहा है कि मेवाती ने कुछ पैसे किसी पंकज के खाते में ट्रांसफर किए थे, जिसकी वजह से उसे सुशांत के घर से नौकरी से निकाला जा चुका था। सुशांत की बहन और बहनोई ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने खुद ऐसा किया या किसी के कहने पर। बात करेंगे गुजरात में बाढ़ की और यहाँ पर कई जिलों में कहर बरपा रही है, जबरदस्त बारिश। मीनाक्षी, सूरत, राजकोट जैसे शहर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। नदियों में पानी बढ़ने की वजह से मुसीबत ज्यादा है। श्वेता, इन सबके बीच मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिन और भारी बारिश हो सकती है। सूरत, राजकोट, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, द्वारका, गुजरात के इलाके जबरदस्त बारिश का कहर झेल रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, दुकान मकान डूब रहे हैं। कुदरत के कहर की जो तस्वीरें गुजरात से आ रही हैं, वो डरा रही हैं। बाढ़ बारिश ने सूरत शहर की क्या हालत कर दी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर की गलियों तक में पानी की घुसपैठ हो गई है, बारिश का पानी कमर तक आ गया है। देखिए, बारिश के पानी में पूरा मंदिर डूबा हुआ है। मंदिर के आसपास का इलाका जलमग्न है, कई गांव का संपर्क टूट गया है। जबरदस्त बारिश से नदी नाले उफान पर है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं, जिंदगी पर मानो ब्रेक सा लग गया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर की भी यही हालत है। जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, नदी नाले का पानी उफान पर है। हालत यह है, बारिश का पानी घरों में घुस आया है, खेत खलियान भी पानी में डूब रहे हैं। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है, बाढ़ में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। कल गुजरात के राजकोट से आई इन तस्वीरों ने भी डरा दिया। राजकोट में भारी बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में सवारियों से भरी परिवहन निगम की बस फंस गई। पानी का स्तर देखकर लोग घबरा गए। हिम्मत दिखाकर बस की सवारियां कमर से ऊपर आ चुके पानी में उतर गईं, किसी तरह खुद को संभाला। इस महिला सवारी को देखिए, जैसे तैसे पानी को पार कर रही हैं। पीछे कई और सवारियां भी हैं जो खुद को और अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। अंडरपास में तो कई जगह पानी सवारियों की गर्दन तक आ गया। कुछ ऐसे भी थे जो बस की छत पर चढ़कर जान बचाने लगे।
अच्छी बात ये थी कि मुसीबत में सवारियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, मदद के लिए स्थानीय लोग भी आ गए, एक एक कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी से बाहर आते ही लोगों ने राहत की सांस ली। जेसीबी मशीन की मदद से बस को भी बाहर निकाला गया। गुजरात के कई जिलों में जबरदस्त बारिश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।